अरे अरे यार मालिक हमारा है, ले लो। इनके जा रहे पूरी टीम। ये उठाओ 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 उठाओ। तो गाइस इतने इंतजार के बाद अपने यूसुफ भाई आ चुके हैं। क्या हाल है भाई के? बढ़िया भाई, बढ़िया है। तो यार बस अब लोकेशन लगा लेते हैं और चलते हैं मंजिल की ओर। और को भी फोन करना, जैसे कि दो चार दोस्त और हैं। तो गाइस लोकेशन लग चुका है अपना दमदमा लेक का, चलते हैं फटाफट आगे की ओर। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आइए बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आपका है बिल्कुल ठीक है, झकास है, चंगा है। तो जैसा गाइस आज हम जा रहे हैं कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा लगा ना? तो यार आज तो ना गिरीश है ना आकाश है, और आज जा रहे हैं रुद्र भाई अपने साथ में और एक दो बंदे और जा रहे हैं, हैं? और सलमान भाई हैं जो कि जिन्हें फ़ोन किया है, मैंने फ़ोन करा था उन्होंने भी और मैंने भी, तो उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन अभी, तो बात तो हुई थी मॉर्निंग में, और अब दोबारा कॉल करता हूँ उन्हें, देखता हूँ वो क्या कहते हैं। क्योंकि सलमान भाई भी कह रहे थे चलने के लिए वैसे, तो पहले तो डलवाना है फ्यूल, वैसे तो है फ्यूल इसके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा कर लेते हैं कि दिक्कत ना हो हमें बिल्कुल भी, है ना। तो फ्यूल पंप आ चुका है अपना लेफ्ट में, इसने फ्यूल तो रात में डलवाया था, इसने फिर डलवा रहा है, क्या बात, दोबारा डलवाया। चल आजा चार मूर्ति चलते हैं। तो रुद्र भाई जैसा कि कह रहे थे कि चार मूर्ति पे फ्यूल डलवा रहे हैं, तो मैंने ठीक है फ्यूल डलवा लो, अब हम लोग वहीं पे आते हैं चार मूर्ति, फटाफट चलते हैं रुद्र भाई के पास अपने। ये आ गए हमारे रुद्र भाई। कैसे हैं? कॉल पे हैं। और ये हमारे जीटी भाई थे, आप क्या कहना है भैया? सेब 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 भाई। हाँ आज जीटी पे चार चार। बढ़िया, ये हमारे रुद्र भाई हैं, तो चलें फिर। आज वो दोनों गोलीबाज नहीं मिल गए, गद्दारी कर दी दोनों ने। चलो चलो चलते हैं मंजिल की ओर, हैं? चलो ये हमारी जीटी। भाई भाई साहब अब दो चार दोस्त मिल जाते हैं ना अपने। हमारे यूसुफ भाई भी किसी से कम नहीं है, लगा लगे पड़े हैं मेरे भाई। अपने रुद्र भाई तो भाई रुद्र भाई हैं, इन्हें क्या, इनका तो कोई जवाब ही नहीं अपने भाई का। रुद्र भाई अपने लद्दाख से होके आ चुके हैं। अरे शाबाश यो मेरे शेर। Cabin fever spilling me. I want to hold on to something greater. I feel the waves come crashing in. I'm drowning. ठीक है नहीं आ रहे ना? ठीक है अल्लाह। कबूतर 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 कबूतर। पानीकोट लेक के लिए तो वही वाला रास्ता है, अभी एक साइड आएगा रास्ता। अच्छा पहले वाला एक साइड चल रहा था, राइट हैंड वाला, अब दोनों साइड का खुल गया। एक साइड वाले पे काम चल रहा था ना पहले, इसलिए राइट पे ना हमारा जो गिरीश था उसकी बाइक इससे टोल प्लाजा से पहले बंद हो गई थी। फिर हम लोग जो पानीकोट लेक गए थे यहाँ से लगभग है
अभी 7-8 किलोमीटर दूर, तो वहाँ से वापसी आए उसकी बाइक में धक्का लगा के फिर लेके गए थे उधर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अरे उसकी बैटरी बेकार हो गई थी तो इसलिए आज आए थे। बैटरी पिछली बार रह गया अपना 7-7.5 किलोमीटर, जो कि टाइम दिखा रहा 17 मिनट। ये भाई मजे ले रहे हैं, देख रहे ना फुल खेत ही खेत भाई सब पंद्रह मैं सबसे बता रहा हूँ। से हम 3 किलोमीटर रह चुके हैं। दमदम आलक रोड है जो कि ये सही है, ब्रेकर ही ब्रेकर बना रखा भाई साहब। गांव की यादें पुरानी ताजी हो चुकी है भाई साहब। ऐसे तो गांव इधर खेत बीच में रोड, एक आधा घर दिख गया, फिर दूर दूर तक घर नहीं, फिर आगे देखने को मिलेगा घर अपने को। रिक्शा है सही है भाई साहब। उतारो चलो। तो लो जी लो आ गए दमदम आले लेक। पहले सारे रखे हैं यहाँ पे बाइकर, तो लगाते हैं आगे की ओर। हाँ रुद्र भाई गोप्रो गिर गया नीचे हैं, यही जा रही सेल पे। और गुरुदेव आ गए हमारे डेबिट आ गए लगाएंगे आगे की तरफ। इनको बोलो तुम्हारे जिम में जो हाथ हाथ तो मिला ले ये तो बात है भाई साहब, पैसा तो सबसे बड़ी बड़ी बात है। अबे इधर लगाओ आगे आओ, फोटो लेनी है भाई की। अब तो गाइस जैसा कि आ चुके हैं दमदमा लेक, पानी कम गड्ढा ज़्यादा, और ये अपनी बाइकें खड़ी हैं, उस साइड पहाड़ है। और जो कि पिछली बार जो हम लोग आए थे अपने क्या कहते हैं पानी कोट लेक, वो इस साइड जाके आगे जाके है अपना, इस साइड फोटो रील शूट करी जा रही है। ये यूसुफ है और बाकी दोस्त यार उस साइड है, और तुम्हारा भाई इस साइड है। आओ भाई यूसुफ भाई कुछ कहना चाहेंगे यो के अलावा। भाई फर्स्ट राइड मजा आ गया। अब बोल मजा आया, पहले फर्स्ट राइड थी मजा आ गया। 71 किलो की राइड पड़ी इसे फर्स्ट, और 71 जाना 71 आना कितना हो गया 142, जो कि इसकी सर्विस हुई नहीं थी फर्स्ट वाली। पिछले बार भी इसने धोखा दे दिया था हमें, और इस बार इसने कहा चलो भाई चलते ही हैं। दिल पे पत्थर रख के बंदा तैयार हो गया चलने के लिए। मैंने भी इसे राजी कर लिया था चलने के लिए बिल्कुल। तो गाइस जैसा कि सोचा जा रहा है यहाँ पे कौन चढ़ाएगा ऊपर सबसे पहले, रहन दो यहाँ धुआं नहीं निकलेगा, धूल निकलेगा, धोने वाला नहीं साले, धुएं की जगह धूल निकलेगा यहाँ पे। हेल्प करनी पड़ेगी, जाओगे
दम नहीं तोड़ना, चढ़ाना है, चढ़ा दे चढ़ा दे चढ़ा दे। कहीं नहीं जाएगी छोड़ आप नर्वस नहीं होना था, बहुत अच्छी लेके आ रहे थे। बस गियर भी लेना था, सेकंड कर दिया था क्या? हाँ सेकंड कर दिया था, हमेशा फर्स्ट है। स्टार्ट कर, चलो ये ब्रेक हमेशा दबा के रखते हैं। देखने के लिए खड़ा था कि कैसे कैसे चलानी, किस जगह से चलानी। अरे हम बड़ी जल्दी आए सरकार हैं, सॉरी साले हम निकलने में तुझे सरप्राइज मिल जाता पता है। हम तो निकल गए थे बस उधर कुछ देखने गए। मैंने रात में कॉल किया था, मैंने ग्रुप में आ चुका है मैसेज। क्या ड्यूटी से आ रहा है? घर से एकदम आज जैकेट वैकेट नहीं। निकल रहे हो क्या? हाँ डॉन राइडर्स भाई साहब, क्या हाल चाल? बहुत अच्छा, सारी किसी राइडर पे ये ना हो कैसे लेट देर सवेरे सही देर आए दुरुस्त आए तो गए। हो गया, मैं 5 बजे उठा था, फिर आग लगी, फिर मैं सोचा 10 मिनट नहीं, मैं रात में 3:30 बजे सोया था, 4:30 बजे उठ गया मैं। फिर आया तो एक काम करो, बाइक नीचे लेके जाओ, फिर वापस ही लाओ। नीचे जाके हम लोग गए थे ना, तुम्हें जाके फील लेके आओ, मम्मी चढ़ा के आओ। मारो बिल्ली मारना एक लो मैं। निकाल ये भी गई, निकाल निकाल ला। इनके जा रही है पूरी टीम, रॉयल एनफील्ड वाली है सारी बाइक है भाई। हिमालयन सब बुलेट वाले हो यार, ये चलते कम से कम 200 तो होंगे बाइक है बुलेट वालों के।
पानी कोक ब्लू और यहाँ अब चलेगी पार्टी। मूनलैंड को खोलता हूँ तब यार जब चलने का टाइम आता है सब पीछे हट जाते हैं। पता है हम बहुत देर तक रुके थे उस दिन। नहीं मैं डे वन से मैंने बोल रखा था विक्रम भैया ले ले भाई तू भी कुछ रात को वहाँ नहीं था मैंने बता रखा था नहीं जाने ले रात को मैं ऑफिस से पानी नहीं पीता। डिलीवरी वाले यूज कर अब उसको पता नहीं था वो इलेक्ट्रिक है उसकी रेंज थी वो आगे गाड़ी में टपने असल तो तुम्हें दिखे भाई आए थे हम गाड़ी फंस गई पूरी लॉक हो गई किसी बंदे को बैठाने के लिए। मैंने उसकी नौकरी करेगा देखो मालिक हमारा है आप उधर बैठो जाके उधर नहीं कहा मैंने उस साइड कहा था इसे और जा रहा है इस साइड उधर भाई के पास उठाओ 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 जी भैया ये हमारे रुद्र भाई बैठे हुए हैं भाई साहब। अरे वो सीन कुछ ऐसा है कि अभी कैमरे में कैमरा देख कैमरा सही कह रहे रुद्र भाई अपने। देखो अभी क्या है कि नीचे बैठ के पराठे खा रहे हैं भाई साहब घर पहुंचते हैं लद्दाख की वीडियो एडिट करते हैं। ये मत सोचना कि लद्दाख के एपिसोड खत्म हो गए बहुत बाकी है लेकिन मैंने कहा लद्दाख के एपिसोड के चक्कर में जो अब यहाँ वाला फन है ना वो मिस कर दिया तो बीच में मैंने सोचा संडे राइड पे चलते हैं। ये है वो आदमी जिसकी वजह से संडे राइड हुई है भाई ने कहा यार चलो घूम लेते हैं मिल लेते हैं मैंने कहा लो इस पर रख लो ना नहीं कोई नहीं नीचे खाएंगे बढ़िया ठीक है तो बस फिर खाते हैं पराठे खाते हैं बाकी अपडेट पराठे खा के फिर मिलेंगे है नहीं आओ भाई आओ बैठो रखो नीचे नीचे तशरीफ इधर पानी है मत बैठ इधर बैठ जा रुद्र भाई का हाथ दुलवा दिया मैंने उधर ये यूसुफ है अपना थैंक यू सो मच चले सरकार चले राइडर भाई चले नहीं बनी अरे भाई नेक्स्ट संडे बिल्कुल डन भैया गढ़मुक्तेश्वर ठीक है अगले अगले संडे डन अगर मैं आ रहा तो बिल्कुल बिल्कुल हाँ गढ़गंगा जाओगे ना गढ़गंगा उनके घर भी उनके घर पे रुक लेंगे तो गाइस जैसा कि चलते हैं अब घर की ओर भाई लोग रुकेंगे अभी यहाँ पे और मेरे को शॉप खोलना है इस वजह से मैं चलता हूँ फटाफट घर ठीक है भाई चल रहा है ना तू भी तो रुकेगा तो ठीक है गाइस चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हाँ पैसे दूंगा अभी बता रहा हूँ पैसे ही कहा था मैंने पहली पैसे कहा मैंने बताओ क्या देना क्या कह रहे देने खत्म करने से पहले भैया जैसे कह रहे हैं पहले पैसे बाद में व्लॉग बना दो ठीक है ना